हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि क्यों डरता है पाकिस्तान और चीन इंडिया से। तो हमारे पास कुछ इस तरह के हथियार हैं जो चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पता कीजिए कि आपके इंडिया में कितनी ताकत है, इंडिया कितना ताकतवर कंट्री है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों दूसरे देश इंडिया से पंगा लेने से डरते हैं। तो देख लीजिए, हमारी सरहदों की चौकसी निगरानी करने के लिए हमारी सेना के जखीरे तैयार रहते हैं, जिनके पास अचूक हथियार हैं। तो वो मैं आपको सारे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से हथियार हैं। तो इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, तो ये हमारा नारा है, आपको पता ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंडिया प्राइड, भारत का गौरव, मैंने इस वीडियो को नाम दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपको भारतीय होने पर गर्व हो। और अगर आपको कंट्री की बातें अच्छी लगे तो इसको दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि सबको पता चल सके कि इंडिया के पास कितनी ताकत है। सबसे पहले है परमाणु पनडुब्बी, तो यह सबसे फर्स्ट हथियार, परमाणु पनडुब्बी, इसका नाम है अरिहंत। तो यह स्वदेशी, ये कंट्री के अंदर बनी हुई है। इसके साथ K-15 मिसाइल इसको और घातक बना देती है, और अब इस पे K-4 मिसाइल लगाने की तैयारी चल रही है। ये न्यूक्लियर से चलती है और पलक झपकते ही अपने टारगेट को ये खत्म कर देती है। तो ये कई कई दिनों, महीनों तक ये समुन्द्र के अंदर पानी की सतह के नीचे रहती है। इस पे मिसाइल्स लगी हुई है इसके अंदर, और नीचे इसके टॉर्पिडो लगे हुए हैं, जो कि दुश्मन को पलक झपकने तक का टाइम भी नहीं देते, कुछ मिली सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में ही उनको ये खत्म कर देते हैं। तो इसका नाम है अरिहंत। तो ये याद रखिए, अरिहंत पनडुब्बी जो स्वदेशी निर्मित है। इसकी और फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए INS अरिहंत, तो ये अरिहंत, ये देख लीजिए अरिहंत, ये फ्लैग लगे ऊपर, और इस तरह की इसकी कुछ शेप है। ये महीनों पानी के अंदर रह सकती है, और इसका काफी बड़ा जो इसके अंदर क्रू रह सकता है, तो उनके सारा अंदर खाने पीने का इंतजाम, पानी का, ऑक्सीजन का सारा इंतजाम इसके अंदर किया गया। तो ये कंट्री को बहुत ताकतवर बनाती है, और इससे जो मतलब अनदेखा दुश्मन, जिसको हमने अभी देखा नहीं है, तो वो भी ये देख सकती है, क्योंकि उसको ये नहीं दिखेगी, लेकिन इसको ये सबको देख सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट अग्नि 5 मिसाइल, तो इसका नाम है अग्नि 5। तो ये देख लीजिए भारत अग्नि 5, ये इस बार दिखाई गई थी परेड के अंदर। तो ये DRDO ने बनाई है, याद रखना फ्रेंड्स, DRDO ने बनाई थी इंडिया के लिए। तो DRDO ने अग्नि 1, अग्नि 2, इसकी जो क्षमता है 5,000 किलोमीटर की है। तो ये काफी खतरनाक मिसाइल है, इससे चाइना और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज डरते हैं। तो अग्नि 1 की जो रेंज थी वो थी 700 किलोमीटर, और पेलोड मतलब अपने साथ ये 1,000 किलोग्राम लोड लेके जा सकती थी। अग्नि 1 कहीं पे कोई विस्फोटक लेके जाना था तो 1,000 किलोग्राम ये लेके जा सकती थी। अग्नि 2 2,000 किलोग्राम, और अग्नि 3 3,500, और अग्नि 5 है जो 5,000 किलोग्राम, जो 1,360 किलोग्राम पेलोड लेके जा सकती है। तो इस मिसाइल ने पाकिस्तान और चाइना दोनों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ये किसी और के पास इतनी खतरनाक मिसाइल नहीं है। चलिए मैं आपको और थोड़ा बता देता हूँ डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट, ये अग्नि 5 के बारे में पूरी डिटेल आप देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जिस जिसने पढ़ना है ये पूरी लिखी गई है, ये पूरा मैंने लिख के बताया हुआ है कि कितने कैसे कैसे दुश्मन को मारती है। तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, तो ये एक ऐसा पोत है जिसके ऊपर आपको 29 से 30 जो इसके ऊपर विमान, इसके ऊपर 30 विमान जो MiG-29 वो खड़े हो सकते हैं, 10 हेलीकॉप्टर इसके ऊपर खड़े हो किए जा सकते हैं, और ये 22 मंजिला, तो 22 मंजिली इमारत जितना ये ऊंचा है। तो ये बहुत खतरनाक है, विक्रमादित्य इसका नाम है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल देता हूँ। ये 500 किलोमीटर के इलाके में इसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब 500 किलोमीटर तक ये पूरा विजिलेंस रख सकता है। चलिए मैं इसकी थोड़ी डिटेल देता हूँ आपको। INS विक्रमादित्य इसका नाम है, आप देख लीजिए। इसकी हाइट 60 मीटर है, मतलब 20 स्टोरी है, 20 मंजिला ये ऊंचा है, देख लीजिए। और इसकी डिस्प्लेसमेंट 44,570 टन है, और ये 284 मीटर लेंथ है इसकी, 284 मीटर इसकी लेंथ है। कैपेसिटी 34 एयरक्राफ्ट इस पे खड़े हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट 24 MiG-29 के, और 10 इसके ऊपर हेलीकॉप्टर खड़े किए जा सकते हैं। जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 30 नॉट्स है, और मैक्सिमम रेंज 7,000 नॉटिकल माइल्स है। तो इतनी इसकी मैक्सिमम रेंज है, मार्क क्षमता है। तो USA के पास ऐसे 11 है एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया के पास 2 है, इटली के पास भी 2 है, चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया, स्पेन, ब्राजील और थाईलैंड, इनके पास एक एक है। तो देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, उनके पास एक है, और पाकिस्तान के पास नहीं है ये।
तो ये बातें आप याद रखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर 1600 से लेकर 1800 सेलर लोग रहते हैं। तो इसकी मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, आप वो पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़नी है वो वीडियो रोक के इसको देख सकता है कि हमारी कंट्रीज में कितना कुछ है। इसमें 1600 नौसैनिक रहते हैं और इसके अंदर 18,000 मेगावाट का जनरेटर लगा हुआ है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है जो इसको चलाने के काम में आती है। और इसके अंदर जो हर महीने 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध और 16 टन चावल की सप्लाई इसके अंदर की जाती है। और ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और मैं अभी और आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि इंडिया के लिए और क्या प्राइड है कि आपको गर्व करने की, जो आप घर में शांति से होते हैं किन चीजों की वजह से। नेक्स्ट है हमारा सुकोई 30। तो यह वायुसेना का लड़ाकू विमान है, देख लीजिए कितना शानदार है, कितनी ज्यादा इसकी देख लीजिए आगे से तीखा है बिल्कुल, और ये कितना मतलब लाइट वेट है बिल्कुल यार, ये आंख झपकते ही उड़ान भर लेता है। तो इसके साथ ब्रह्मोस लगी हुई है, तो सुखोई का ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होना इसको और ज्यादा घातक बना देता है। तो हमारे पड़ोसी कंट्रीज चाइना पाकिस्तान वो डरते हैं कि इसके साथ यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है। तो एक तो इसकी उड़ान बहुत ज्यादा जल्दी भरता है, ये बहुत हल्का है, ये कम पेट्रोल कम जो फ्यूल पे ज्यादा दूर तक जा सकता है। तो ये इसकी देख लीजिए थोड़ी डिटेल मैंने दे रखी है आपको, इसका ये कितना शानदार, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं, ये सारी डिटेल दी हुई है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, तो इसका नाम याद रखिए S-400। तो S-400 ये क्या चीज है, ये फ्रेंड्स ऐसा एक मिसाइल सिस्टम है जो अभी हम खरीदने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि ये ऐसा मिसाइल सिस्टम है, जब भी कोई दूसरी कंट्री मिसाइल छोड़ेगी इंडिया पे, तो कोई दूसरी कंट्री इंडिया पे मिसाइल छोड़ेगी तो ये उसको सेंस कर लेगा कि हाँ अब हमारी कंट्री की तरफ मिसाइल छोड़ी जा चुकी है। तो 400 किलोमीटर के दायरे से, मतलब किसी कंट्री ने, ये इंडिया है पूरा, किसी कंट्री ने यहाँ से मिसाइल छोड़ी तो 400 किलोमीटर का दायरा ये जो बार बार इसको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, उसकी स्पीड और उसका जो पेलोड देख के खुद अपने हिसाब से दूसरी मिसाइल छोड़ देगा जो इसके एंटी होगी और खुद इसको हवा के अंदर ही खत्म कर देगी। तो ये बहुत ताकतवर सिस्टम है, ये हम रूस से खरीदेंगे अभी, तो इसके खरीदने की बात अभी चल रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला आने वाले टाइम में, अगर युद्ध की स्थिति होती है तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है इंडिया के द्वारा बनाया गया, इंडिया इंडिया के पास है राफेल जेट, राफेल लड़ाकू विमान, जो फ्रांस में बने राफेल जेट विमान का कोई सानी नहीं। तो ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया इतना ताकतवर जेट है कि इसका मुकाबला करने के लिए अभी तक यूएसए के पास भी कोई हथियार नहीं बना, यूएसए के पास भी जहाज नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। हाँ यूएसए के पास और बहुत सारे हथियार हैं और बहुत सारे जेट हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर है इंडिया के लिए। तो 2019 में ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा, इसका भी राफेल परमाणु हमले को अंजाम देने की क्षमता से लैस होगा, तो इस पे न्यूक्लियर वेपन भी लगे होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स कि इंडिया कितना ज्यादा तरक्की कर चुका है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, और क्यों दूसरी कंट्रीज डरती हैं। और नेक्स्ट है हमारी धनुष तोप, तो इसका नाम ही देख लीजिए धनुष तोप, जो मतलब रामायण महाभारत के टाइम पे रखा गया है, जैसे धनुष होता था उसी तरह से ये भी तोप है। तो ये 155 mm की तोप है जो 45 किलोमीटर, इसको देसी बो फोर्स कहते हैं, आपने सुना होगा बो फोर्स। तो ये कितनी ताकतवर मशीन थी, कितनी ताकतवर गन थी, तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बता दीजिए कमेंट करके, मैं पूरी बोफोर्स की आपको डिटेल, इसको देसी बोफोर्स बोलते हैं, ये इंडिया के अंदर बनाया गया है। तो ये 500 किलोग्राम तक लोड लेके जा सकती है और 45 किलोमीटर तक ये सीधी मार कर सकती है, और जब एक बार ये छोड़ दी जाएगी तो ये अपने जो जहां पे इसको लगना है ये वहीं पे जाके लगेगी, ये टाइम नहीं देगी आदमी को बचने का। और नेक्स्ट देख लीजिए, इसको बोलते हैं स्मर्च, ये काफी इंपॉर्टेंट है, करीब 80 से 90 किलोमीटर रेंज, तो इसकी 80 से 90 किलोमीटर रेंज है, जब एक बार इसको सेट करके छोड़ दिया गया तो फिर ये अपने टारगेट को कहीं इधर उधर नहीं होने देगा, ये टारगेट पे लगे, इतनी जल्दी लगता है टारगेट पे जाके कि पलक झपकने तक का टाइम नहीं देता। तो ये रूस से खरीदा गया है, तो इसके अंदर 12 बैनर लगे हुए हैं जिसके अंदर रॉकेट लॉन्चर है, तो रॉकेट 12 लगातार फायर कर सकता है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये ट्रक पे लगा हुआ है, ये जहाज पे भी लग सकता है, मैरीन पे भी लग सकता है, तो ये कहीं भी लग सकता है, जो काफी अच्छी चीजें हैं। तो इंडिया के पास बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार इंडिया ने तरक्की नहीं की, तो आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए, जो लोग कहते हैं कि यार इंडिया तो ताकतवर नहीं है, या इंडिया तो कमजोर है चाइना से या यूएसए से किसी भी कंट्री से, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इंडियन है और अगर आपको इंडियन होने पर गर्व है, अगर आपको प्राइड महसूस होता है, अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन सबको पता चल सके कि इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है। और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो या वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसको बताइए कि मुझे पसंद आई है, और कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, और वीडियो के नीचे जय हिंद कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।